मलयालम फिल्म एस दुर्गा अपने टाइटल को लेकर काफी समय से विवादों में बरकरार है। फिल्म को 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित करने के लिए सनल कुमार शशिधरन जी जान से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिश विफल हो गई। फिल्म एस दुर्गा विवाद में एक नया मोड़ आ गया है, इसके कारण ये फिल्म इफ्की में प्रदर्शित नहीं हो सकी है। बता दें, इस फिल्म फेस्टिवल का मंगलवार को समापन हो गया है। कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म फिरंगी में लीड रोल में नजर आने वाली इशिता दत्ता ने वत्सल सेठ से शादी कर ली है, जिसकी खूबसूरत तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। ये शादी मुंबई के जुहू में इस्कॉन मंदिर में हुई है। इशिता और वत्सल ने लाइफ ओके के शो रिश्तों का सौदागर बाजीगर में साथ काम किया है। आपको बता दें कि इशिता दत्ता मिस इंडिया 2004 की तनुश्री दत्ता की बहन है। वत्सल ने साल 2004 में अजय देवगन के साथ फिल्म टार्जन द वंडर कार से बॉलीवुड डेब्यू किया था। वहीं इशिता ने भी अजय देवगन के साथ दृश्यम के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। वीडियो में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान दीपिका के आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वीडियो शाहरुख खान के नए शो वादे विदे बादशाह का है। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले इस शो को शाहरुख खान होस्ट कर रहे हैं। शाहरुख के शो में बॉलीवुड सितारों के साथ बातचीत करते हैं। बता दें कि शो के दौरान शाहरुख एक खत पढ़ते हैं, जो कि दीपिका की मां उज्ज्वला पादुकोण ने दीपिका के लिए लिखी है। गोवा में आयोजित हुए 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की क्लोजिंग सेरेमनी में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान सभी स्टार्स ने जमकर मस्ती की, लेकिन ऐसे में अक्षय कुमार ने बिग बी के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में बिग बी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए बताया है कि वो अक्षय कुमार के ऐसा करने से काफी शर्मिंदा हो गए थे। दरअसल खिलाड़ी कुमार की किसी गलत हरकत ने बिग बी को शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि अक्षय कुमार ने इस फेस्टिवल के दौरान बिग बी के पैर छू लिए। अनुभवी और अपने जमाने के मशहूर एक्टरों में एक दिलीप कुमार को हाल ही में निमोनिया होने की पुष्टि के बाद से डॉक्टरों ने बेड रेस्ट की हिदायत दी है। हालांकि परिवार के एक सदस्य के मुताबिक 94 साल के दिलीप कुमार की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। दरअसल उनमें हल्के निमोनिया के लक्षण देखने के बाद उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया था। दिलीप साहब के पारिवारिक मित्र फैजल फारूकी ने उनकी ओर से दिलीप साहब के ट्विटर पर लिखा है, साहब के स्वास्थ्य में हल्के निमोनिया के लक्षण देखे गए थे, जिसके बाद उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। अल्लाह का शुक्र है कि बाकी सभी स्वास्थ्य संबंधी मापदंड सामान्य हैं और साहब की स्थिति में अब पहले से काफी सुधार आया है। कृपया अपनी दुआ और प्रार्थना में उन्हें याद रखें। अपनी पहली ही बॉलीवुड फिल्म में दंगल से सफलता हासिल कर चुकी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी खासी एक्टिव रहती हैं, जिस पर डाले गए पोस्ट और फोटोज की वजह से वो अब तक अपने काफी फैंस भी बना चुकी हैं। हालांकि ऐसे कभी कभी वो काफी ट्रोल भी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने साड़ी पहने इंस्टाग्राम पर हॉट फोटो शेयर की है, जिसे देख जहां खुद को समाज का ठेकेदार समझते लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई, वहीं उनके फैंस उन्हें कैटरीना कैफ कहने लगे हैं। पिछले काफी समय से बॉलीवुड में पुरानी हिंदी फिल्मों के रीमेक का दौर चल रहा है। हालांकि जहां कुछ फिल्म मेकर्स इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं, तो वहीं कुछ पुराने बॉलीवुड फिल्में बनाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सुनने में आ रहा है कि एक्टर फरहान अख्तर की निर्देशक बहन जोया अख्तर भी फिलहाल किसी क्लासिक हिंदी फिल्म को बनाने के बारे में दिलचस्पी ले रही है। एक सूत्र के हवाले से पता चला है कि जोया फिल्म हीर रांझा का रीमेक करके उसे मॉडर्न टच देने पर विचार कर रही है। अपने भाई फरहान अख्तर के साथ मिलकर इस फिल्म को बनाने के लिए उनकी ओर से खासी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। खबरें हैं कि बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं। बता दें कि अब तक अनन्या पांडे के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक यह खबर पुख्ता नहीं हुई थी कि वो कौन सी फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं। हालांकि हाल ही में एक मैगजीन की खबर से कंफर्म हुआ है कि अनन्या करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। हाल ही में हमें पता चला था कि वरुण धवन ने विज्ञापनों और फिल्मों दोनों में काम करने के लिए अपनी फीस में इजाफा कर दिया था। हालांकि हमें अभी तक यह पता नहीं चला था कि वरुण ने अपनी प्राइस कितनी बढ़ाई है, लेकिन हाल ही में हमें इस बारे में भी पुख्ता जानकारी मिली है।
हालिया खबरों की माने तो अपनी सफल फिल्मों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वरुण धवन ने अपनी फीस बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। दिवाली पर रिलीज हुई रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म गोलमाल अगेन की सफलता के बाद अजय देवगन एक बार फिर जल्द एक अलग क्षेत्र में डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। एक्टर और फिल्म मेकर अजय देवगन देश भर में मल्टीप्लेक्स चेन खोलने पर विचार कर रहे हैं। अजय अभी राजकुमार गुप्ता की फिल्म रेड इन लखनऊ की शूटिंग में व्यस्त हैं, जबकि अजय के प्रवक्ता ने इस खबर को सही बताया है। वहीं अजय ने इस योजना पर अपने कदम बढ़ाने शुरू भी कर दिए हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश में 6 सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर खरीदे हैं, जिन्हें वो मॉडर्न मल्टीप्लेक्स में तब्दील कर रहे हैं। एक सूत्र के मुताबिक अजय ऐसे इलाकों की तलाश में है जहां बॉलीवुड फिल्मों को देखने वाले लोग अच्छी खासी संख्या में हैं, लेकिन वहां मल्टीप्लेक्स की सुविधा नहीं है।